किसी भी कस्टमर को देते हैं तो उस टाइम हम ये साइड के दो बोल्ट और ये दो बोल्ट लगाते हैं। आपके केस में तो ये चारों बोल्ट नहीं है क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी पैनल के अंदर में ब्रेकर फिट हो रखे हैं। आपके केस में जो फ्रंट के जो बोल्ट हैं, एक तो ये और एक ही नीचे, लेकिन कुछ एक ब्रेकर में ये ऊपर, दोनों ऊपर में आपको नजर आएगा। ये कभी ध्यान दिया है बोल्ट? तो कुछ ब्रेकर में आपको ये ऊपर में मिलेंगे दोनों तरफ, कुछ में एक इधर और एक नीचे की तरफ मिलेगा। कभी भी ब्रेकर को सेकंड ब्रेकअप करना है तो सबसे पहले ये बोल्ट खोल देना है, ये वाला बोल्ट और उधर वाला बोल्ट। उसके बाद ऑफ बटन दबाइए, हैंडल अंदर इंसर्ट कीजिए और इसको उल्टी दिशा में रोटेट करना स्टार्ट करें जब अगर आपको ब्रेकर को बाहर निकालना है। अब देखिए ब्रेकर को बाहर निकालना है तो रिवर्स डायरेक्शन में इसको ऑपरेट कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में हैंडल घुमा रहे हैं, तो ये ब्रेकर जो है क्रैडल से बाहर आ रहा है। ये तीनों पोजीशन पे ये लॉक्स लगते हैं, साइड के जो आप नीचे लॉक देख रहे हैं ये लॉक्स लगते हैं, ये आपको ये वाला लॉक। जब अभी हम हैंड्स ऑन करने जाएंगे, हाथ से इसको करके देखेंगे, तब आपको जो है बहुत ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी। जब ब्रेकर आप रैकिंग करते हैं, रैकिंग करते वक्त ऑफ बटन दबाइए, हैंडल अंदर इंसर्ट करें। ये स्टिकर पे जो पोजीशन आती रहती है कनेक्ट, टेस्ट या आइसोलेट, उसका ध्यान रखें। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रैडल के जो ये प्लेट है, ये थोड़ा सा खींच लेके आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे सर, और पीछे सर, और पीछे सर। ये देखिए, जिनको स्टिकर वगैरह किसी ब्रेकर में खराब मिलते हैं, स्टिकर है ही नहीं, खराब हो गया, पुराना हो गया, स्टिकर फट गया है, तो उस केस में क्या करना है, जब ब्रेकर को आप रैकिंग करते हैं, ब्रेकर को जब वापस अंदर डालते हैं, ये क्रैडल की एक प्लेट होती है, ठीक है, और ये ब्रेकर की एक प्लेट होती है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इस पर नजर रखिए। जहां पे ब्रेकर क्रैडल की प्लेट के साथ में ये मिल जाए तो समझिए कि पूरा का पूरा ब्रेकर आपका अंदर चला गया। और एक बार ये दोनों आपस में टच हो जाए, जैसे अभी आपको गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे ये टच हो जाए इसके बाद हैंडल घुमाना बंद कर दीजिए, उसके बाद भी कोई भी हैंडल घुमाएगा तो पिन टूट जाएगा, ये चीज का ध्यान रखो। सर प्ले कर दीजिएगा थोड़ा आगे जाके, ठीक है जी। वैक्यूम टेक आउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मैंने ब्रेक किया, प्रैक्टिकली हैंडफोन में भी आपको दिखा देंगे। कई बार क्या होता है अनजाने में ऑपरेटर जो है ना ब्रेकर को, जैसे तीन पोजिशन हमने बताई, आइसोलेट, टेस्ट और कनेक्ट सर्विस, कई बार क्या होता है अनजाने में जिस नए नए ऑपरेटर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी पोजिशन में रखना है। जैसे उसने टेस्ट से आगे बढ़ा, टेस्ट और कनेक्ट के बीच में कहीं पर भी अगर छोड़ दिया तो ब्रेकर जो है आपका ऑन नहीं होगा, इसमें आपकी पूरी सेफ्टी है। अगर अनजाने में भी उसने ब्रेकर को टेस्ट से आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी इसमें देखिए टेस्ट से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सर्विस की तरफ या कनेक्ट की तरफ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सर थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, सुधीर जी इसमें बनाया बोला।